वेलकम यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्प्रिंगडेल्स स्कूल। देखिए बेटा, आज हम क्लास सेवेंथ के अंदर वीडियो नंबर 58 करेंगे और हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? फोर्थ चैप्टर चल रहा है, जो लगभग जो है ख़त्म हो चुका है चैप्टर। ठीक है, आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को लगभग फिनिश कर लेंगे। हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा और टेम्परेचर के बारे में कल जो था वीडियो, उसमें डिटेल में मैंने आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बताया कि डॉक्टरी जो थर्मोमीटर होता है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, इसके बाद आज हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर टू फॉरनहाइट टेम्परेचर। मैंने आपको दो जो है यूनिट्स बताई टेम्परेचर की, एक सेल्सियस और एक फॉरनहाइट। तो कैसे हम सेल्सियस के टेम्परेचर को फॉरनहाइट के टेम्परेचर में ऐड कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो देखिए, मल्टीप्लाई द सेल्सियस टेम्परेचर बाय 1.8 एंड ऐड 32 टू गेट द टेम्परेचर इन फॉरनहाइट। यहाँ कहा जा रहा है जो भी आपको सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाता है, उस सेल्सियस के टेम्परेचर को अगर आप 1.8 से तो मल्टीप्लाई कर दें और फिर उस आंसर को 32 में प्लस कर दें, तो जो आंसर आपका आएगा वो टेम्परेचर फॉरनहाइट का होगा। देखिए इसे और डिटेल में करते हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसे देखिए, ये तो था सेल्सियस को किस में बदलना, फॉरनहाइट में बदलना। देखो यहाँ पे आप इससे, इस टेबल से इजीली समझ पाएंगे कि जो सेल्सियस है इसे जब आप फॉरनहाइट में चेंज करेंगे तो जो भी आपको दिया हुआ है उसे आप 1.8 या फिर 9/5, 9/5 का मतलब 1.8 ही होता है, तो इससे पहले मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर आए उसे 32 में प्लस कर दीजिए। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर सेल्सियस से फॉरनहाइट में चेंज कर लेंगे। अगर फॉरनहाइट है और सेल्सियस में बनाना है तो आप उल्टा कर दीजिए, फॉरनहाइट को सबसे पहले 32 से माइनस करके और मल्टीप्लाई कीजिए इसके उल्टे से, सब चीज़ें उल्टी करनी है आपको। तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देना है और 9/5 की जगह 5/9 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको जो है ना यहाँ पे देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि सेल्सियस डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल्स टू फॉरनहाइट डिग्री माइनस 32 अपॉन 180, ये रिलेशन होता है जिसकी वजह से हम ये सब यहाँ पर निकाल पाते हैं। आपको कुछ याद नहीं रखना, बस ये आपको यहाँ पर टेबल जो है वो याद रखनी है। ठीक है, तो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया कि हमारी बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए डॉक्टर जो यूज़ करते हैं वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, लेकिन इस थर्मोमीटर के अलावा और भी थर्मोमीटर्स होते हैं अलग अलग टाइप के, तो वो कैसे होते हैं वो और हम देख लेते हैं। तो देखिए, डिजिटल थर्मोमीटर नाउडेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर ऑल्सो यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर्स, दे वर्क ऑन टिनी ड्राई सेल्स। अ गुड क्वालिटी डिजिटल थर्मोमीटर रिकॉर्ड्स बॉडी टेम्परेचर मोर एक्यूरेटली देन द ऑर्डिनरी मर्क्यूरी इन ग्लास टाइप ऑफ थर्मोमीटर। दिस इज टू बी सीन बाय साइंस टीचर बिकॉज द रीडिंग शोन इन द डिजिटल थर्मोमीटर रिलेटेड टू सेल्सियस वेयर वॉज द लेवल इट इज शोन एज फॉरनहाइट। देखिए क्या होता है डिजिटल थर्मोमीटर, देखिए जो ओरिजिनल थर्मोमीटर्स होते हैं है ना, जो थर्मोमीटर्स नॉर्मली होते हैं उनमें क्या होता है, उन थर्मोमीटर्स में मर्करी होता है, पारा होता है, जो अगर आपके मुंह में ही जो है ना किसी भी तरीके से वो ग्लास में से निकल के आपके मुंह में आ गया तो वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक, बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसलिए आजकल क्या करते हैं, उस ऑर्डिनरी थर्मोमीटर का यूज़ कम करके और डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, जिसे डिजिटली आप अपनी बॉडी टेम्परेचर दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस वजह से डिजिटल थर्मोमीटर की क्वालिटी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। लेकिन इसे साइंस टीचर या किसी नॉन पर्सन की मदद से ही देखना चाहिए, क्योंकि डिग्री सेल्सियस से रिलेट करता है। ठीक है, और जबकि लेवल जो हमारा होता है हमें फॉरनहाइट में जानना होता है या देखना होता है। डिजिटल थर्मोमीटर के अलावा एक और थर्मोमीटर है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखिए,
इसमें मैं आपको बता देती हूँ मोटा मोटा क्या ये रिलेटिव है यहाँ पर, कि जो डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है, डिजिटल थर्मोमीटर होता है बेटा, एक लिमिटेड टेम्परेचर को ही जो है ना मेजर कर सकता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से होता है। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को नापना है तो वहाँ जो है ऑर्डिनरी लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो यूज़ करते हैं, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के सारे टेम्परेचर नाप सकता है। और भी कुछ और अच्छे आते हैं जो -10 से 110 तक के भी जो है ना टेम्परेचर्स को माप सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी ग्लास ट्यूब से बना होता है, इसमें भी मरकरी होता है जो वो हीट लेता है और बढ़ता जाता है ग्लास कैपिलरी ट्यूब में, है ना। देर आर फिक्स्ड पॉइंट्स टू शो दैट लोएस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर, इसमें दो पॉइंट्स होते हैं जो लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों टेम्परेचर्स को बता सकते हैं, ठीक है। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें कोई कॉन्ट्रोडक्शन नहीं होता, इट हैज़ टू बी रीड वाइल इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल। ये ऐसा नहीं है कि आप मुंह से बाहर निकाल लें और फिर आप देखें कि कितना टेम्परेचर है। इसमें क्या होता है कि जब तक मटेरियल के टच में रहेगी चीज़ तभी तक ये टेम्परेचर दिखाई देगा, फिर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए अगर गर्म पानी का, जैसे आपको उबलते हुए पानी का टेम्परेचर देखना है, तो ये थर्मोमीटर को उसके अंदर डाल के और तभी के तभी आप उसकी रीडिंग नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो ये थे यहाँ थर्मोमीटर्स और ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पे बात करेंगे, तब तक आप इसे रीड कीजिए। थैंक यू।